हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 3 लेयर बेल स्लीव्स की कटिंग, जिसके लिए हमने ये 2 फोल्ड में इस तरह से कपड़ा लिया है और इसकी हमने अच्छे से प्रेस की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ से 2 इंच के निशान लगाना है और जितना भी आपका आर्मोल है उसमें 1/2 इंच कम करके एक यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह से। तो मेरा 8 है तो मैं 7.5 लूँगी। और यहाँ से भी हमें ऐसे 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और इन निशानों को दोनों को इस तरह से हमें मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही कम कपड़े में आसानी से बेल स्लीव्स बना सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो नीचे वाली लेयर होती है वो हमें 5.5 इंच रखना है, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 6 इंच लेंगे और इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से कम से कम 1.5 1/2 इंच पर 0.22 पॉइंट कम करते जाना है, जिससे कि हमारा ये यहाँ से 6 से 6.25 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से हल्का सा 1 इंच के डाउन पर 5.5 हो जाएगा, और यहाँ से 5.25 हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से 5 हो जाएगा, इस तरह से 4.25 पे लगाएंगे निशान, इस तरह से 4.5 पे लगाएंगे, ये 4.25 पर, 4 पर, इस तरह से हमें 2.2 पॉइंट कम करते हुए निशान लगाते जाना है। लास्ट में हमारा 3 या 3.25 के समथिंग निशान आएगा। तो इसको हम इस तरह से तो ये हमारी जो नीचे की लेयर है सबसे बड़ी रहती है नीचे वाली, उसकी हमने इस तरह ड्राफ्टिंग की है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला पोजीशन बंद रहेगा, ऊपर वाला पहले बताना भूल गई थी। और इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से कट देंगे। फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि अब हमारी जो इसके ऊपर लेयर आएगी वो हमें 1.5 इंच कम करना है इस तरह से, इसको रखते हुए। ये निशान सेम रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ये 6 इंच है, तो ये हमें 1.5 इंच कम करेंगे, लेकिन 1/2 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो हम 2 इंच कम करेंगे। तो ये हमारा 6 था, तो यहाँ पर हम नीचे वाली लेयर 4 इंच की लेंगे इस तरह से। और सेम इसको भी इसी तरह से 2 पॉइंट कम करते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से, और इसको भी हम कट कर देंगे सबसे पहले। और इसको अच्छे से गोल शेप देते हुए हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, बस हमारी सेकंड लेयर कट हो चुकी है। अब हम करना क्या है, इससे भी हमें करना तो 1.5 इंच ही है, लेकिन 1/2 इंच हम मार्जिन लेते हैं, उसके लिए हमें 2 इंच इससे हमें कम करना है जो इसके ऊपर आएगी वो लेयर। उसके लिए हमें इसी तरह से
इसको इस तरह से रखना है। और इस तरह से हमें निशान लगाना है, ये इधर वाला जो हमारा आर्म होल की तरफ हम स्टिच करते हैं वो इस तरह से। अब हमें करना क्या है, ये चार था तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे 2 इंच इस तरह से, तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 1.5 इंच बचेगा। इसको भी हम अच्छे से शेप देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैंने अपने चैनल पर 2 लेयर स्लीव्स कटिंग की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी दे दूँगी ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी 3rd लेयर भी कट हो चुकी है। फ्रेंड्स जब हम इसे स्टिच करेंगे तो हमें इसमें जो आगे की ओर कटिंग होती है वो कटिंग नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट ही हम इसको इस तरह से ये फर्स्ट वाली इस सेकंड वाली इस तरह से रखकर इसको हम यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, इन तीनों को सेट करते हुए अच्छे से। इस तरह से इनको अच्छे से सेट कर लिया है, और इसको भी इस तरह से पूरी आस्तीन को इस तरह से सेट करके इस तरह से, तो हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लगे तो आप इसको कट करके अच्छे से सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं इसमें पीकू करवाऊँगी आगे की ओर, जिससे कि इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छे से आएगा। आप चाहो तो पीको करवा सकते हो या फिर सिलाई भी लगा सकते हो आगे, लेकिन मैं पीको करवाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 3 लेयर बेल स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।